दोस्तों क्या हाल है क्या हाल है मैं हूं शुभम सिंघल और आज मैं आपको दिख नहीं रहा हूं क्योंकि मैं अपने सैटरडे संडे मूड में हूं लेकिन आप लोगों के लिए रिवीजन करवाना बहुत जरूरी है तो मैं रिवीजन करवाऊंगा आपको पी पी का पूरा सर बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपका नया लेटेस्ट एडिशन है और चार मार्क का दिखने की पूरी पूरी संभावना है और आपको बेस्ट पार्ट बता बता दो इस चैप्टर का क्योंकि ये वैसे तो बहुत टेक्निकल कॉन्सेप्ट हैं लेकिन मेरे को नहीं लगता इंस्टीट्यूट इतने टेक्निकल प्रोविजन में घुसेगा एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट टू अटैप्ट बिकॉज इंस्टीट्यूट भी नहीं चाहेगा कि आप लोगों को नहीं समझ आए क्वेश्चन तो आप लोगों को बहुत बेसिक लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाएगा चार मार्क का और अगर आप नहीं आंसर कर पाओगे ना यार तो थोड़ी हो जाएगी प्रॉब्लम तो सर फटाफट शुरू करते हैं रिविजन क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन रिविजन शुरू करने के पहले आपको एक चीज मैं बता दूं कि दोस्त जो मेरा अल्टीमेट सोल्यूशन का नोट है उसका अर्ली बर्ड डिस्काउंट जो है वो खत्म होने वाला है क्योंकि प्रोडक्ट्स आर रेडी टू बी शिफ्ट सो मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लेना लेने की सोच रहे हो जो कि आपको लेना चाहिए दोस्त कोई दो राय नहीं है उसमें अल्टीमेट सोल्यूशन का समरी नोट्स और क्वेश्चन बैंक अगर आप लेने की सोच रहे हो तो फटाफट ऑर्डर कर लो वरना रेट फिर बढ़ जाएगा फिर मेरे को मत बोलना चलो दोस्तों अभी आ जाते हैं पीपीआईआरपी के रिविजन में अब मैं आपको बता दूँ पीपीआईआरपी के रिविजन के बाद एक और रिविजन में डालूंगा शायद जो होगा वाइंडिंग अप के सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन का जो बहुत सिलेक्टिव प्रोविजन होंगे जो मेरा सिलेक्टेड प्रोविजन होगा सर मेरे को नहीं पता इसी सिर्फ वही पूछेगा या उसके बाहर का पूछेगा आईसीआई के मूड पे डिपेंड करता है लेकिन अपन कोशिश करेंगे कि छोड़ने से तो अच्छा है पढ़ ले तो अपन माइंडिंग आपके प्रोविजन पढ़ लेंगे चैप्टर थ्री ए जो प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस का है ये आपके सिलेबस में नया एडिशन है अब सर देखो प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस क्या है दिस इज अ प्रोसेस बेसिकली विच इज यूज्ड बाय फॉर एमएसएमईज व्हेन व्हेन अ अ कॉर्पोरेट डेटर कंपनी बाई इनटू लिक्विडेशन और व्हेन अ कंपनी इनटू कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस उसको बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कंपनी जो है ओनर के कंट्रोल से चले जाती है किसके पास क्रेडिटर्स के पास तो लॉ बनाया इन्होंने लॉ बोला कि हम एक और इफेक्टिव मेथड ऑफ रेजोल्यूशन निकालते हैं सर इन्होंने कुछ नहीं निकाला

पी कहूंगा मैं प्री पैकेज इंसॉल्विंग से रेजोल्यूशन प्रोसेस इंट्रोड्यूस करने के लिए कुछ चेंजेस किए और कुछ नए डेफिनेशन एड किए जैसा कि पहला है सर बेस रेजोल्यूशन पे प्लान बेस रेजोल्यूशन प्लान सर हम सी में वर्ड यूज करते हैं रेजोल्यूशन प्लान यहाँ पे हम एक नया वर्ड यूज कर रहे हैं बी आर पी अ रेजोल्यूशन प्लान प्रोवाइडेड बाई द कॉर्पोरेट डेटर यहाँ पे वो प्लान जो है वो खुद कौन दे रहा है कॉर्पोरेट डेटर दे रहा है हमारे एग्जाम्पल एक लेके चलेंगे सर हमारे एग्जाम्पल में हम एक लेते हैं नेचर ऑर्गेनिक करके एक वो लोग फर्टिलाइजर वगैरह बनाते हैं तो अब नेचर ऑर्गेनिक जो है वो एक एमएसएमई सेक्टर है और अगर नेचर ऑर्गेनिक के ऊपर कोई क्रेडिटर मतलब मैं अगर नेचर ऑर्गेनिक का क्रेडिटर हूं तो नहीं मैं मेरी मैं मेरी एग्जांपल में क्रेडिटर क्यों बनू ओनर बनूंगा शुभम अगर नेचर ऑर्गेनिक का ओनर है और उसके बाद अगर पार्थ करके एक बंदा है जो नेचर ऑर्गेनिक का क्रेडिटर है और पार्थ नेचर ऑर्गेनिक पे पीपीआईआरबी इनिशिएट करना चाहता है तो सर क्या प्रोसेस होगा वो अपन समझेंगे लेकिन बेस रेजोल्यूशन प्लान क्या होता है वो प्लान जो शुभम खुद अपने नेचर ऑर्गेनिक कंपनी के लिए बनाएगा प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन क्या होता है इट सिमिलर टू हुआ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम but it is submitted by the corporate debtor यहां पे प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम भी corporate debtor बनाता है और प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी डेट क्या होता है जिस दिन से आपका एप्लीकेशन जो है पीपीआईआरपी इनिशिएट करने के लिए वो एडजिटिकेटिंग अथॉरिटी एडमिट कर लेता है तो जैसे sir इनिशिएशन ऑफ सीआईआरपी क्या होता है इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट वैसे इनिशिएशन ऑफ पीपीआईआरपी क्या होता है एडमिशन ऑफ पीपीआईआरपी क्या uh, एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन पीपीआईआरपी केस में क्या होते प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी डेट अक्सर सेक्शन इलेवन है इंपॉर्टेंट सेक्शन यू विलू अंडरस्टैंड द जिस्ट ऑफ दिस अगर एप्लीकेशन एजिडिकेटिंग अथॉरिटी है उसके पास एक पीपीआईआरपी का भी एप्लीकेशन है और सीआईआरपी का भी एप्लीकेशन है तो उसको प्रायोरिटी देना पड़ेगा किसको उसको प्रायोरिटी देना पड़ेगा पीपीआईआरपी के एप्लीकेशन के लिए क्योंकि सर अगर एक एमएसएमई की बात चल है ना तो हम चाहेंगे उसका पीपीआईआरपी के अंडर प्रोसीजर जाए ना कि सीआईआरपी में क्योंकि पीपीआईआरपी थोड़ा बेटर है अब समझो सर मेरी जो कंपनी है नेचर ऑर्गेनिक उसमें शुभम ओनर है और पार्थ एक क्रेडिटर है पार्थ के साथ एक और क्रेडिटर है सर आदित्य अब आदित्य ने क्या किया कि इस एमएसएमई के अगेंस्ट जाके सीआईआरपी एप्लीकेशन फाइल कर दिया सेक्शन सेवन के अंडर मान लो सेवन या नाइन के अंडर तो अभी आदित्य अगर चला गया तो सीआईआरपी का एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं सर ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है कि एमएसएमई का सीआईआरपी एप्लीकेशन नहीं होगा तो अब एमएसएमई का सीआईआरपी एप्लीकेशन फाइल हो गया और हाथ के हाथ पार्थ ने जाकर के कि क्या किया पार्थ ने फाइल कर दिया एप्लीकेशन आ...

तो ज अ प्रायोरिटी। अगर सीआईआरपी फाइल होता है सीआईआरपी अंदर अंदर का एप्लीकेशन पेंडिंग है और उसी समय पीपीआईआरपी फाइल हो जाता है तो पीपीआईआरपी की प्रायोरिटी दो और उसके बाद अगर फाइल होता है सर तो सीआईआरपी को पेंडिंग दे दो प्रायोरिटी दे दो अब सर शुरू करते हैं से, सेक्शन के सिलसिले बहुत अच्छे प्रोविजन से इंपोर्टेंट प्रोविजन है सुनते जाना खत्म हो जाएंगे सेक्शन 54 फोर ए कॉरपोरेटेटर एलिजिबल टू पीपीआईआरपी सर सर हर कॉरपोरेटर पीपीआईआरपी के पास नहीं जा सकता आपको पीपीआईआरपी जाने के लिए कुछ अप्रूवल लेना पड़ेगा सबसे पहले तो आपको कॉर्पोरेटेटर आप जो हो वो यू शुड बी क्लासिफाइड एज एन माइक्रो क्लासिफाइड एज एमएसएमई अंडर दी सेक्शन सेवन सबसे वन ऑफ एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट ये याद कर लो सर बिकॉज यू हैव टू बी एन एमएसएमई अंडर सेक्शन सेवन सबसेक्शन वन ऑफ एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट नाउ इफ यू आर इफ यू गोड फॉर एन एप्लीकेशन यू नीड टू कंप्लाई विद सेवन कंडीशन सात कंडीशन आप लोग कंप्लाई करेंगे और एक और कंडीशन भी है

और इफ यू हैव कंप्लीटेड CIRP ड्यूरिंग द लास्ट थ्री ईयर्स ऑफ दिए इनिशिएशन डेट अगर आपका इनिशिएशन डेट ये है तो आपके पिछले तीन साल में ना तो आपने PPIRP अंडरगो किया है ना ही आपका CIRP कंप्लीट हुआ है और आपने CIRP कंप्लीट नहीं हुआ है वो छोड़ो आपका अंडर गोइंग सी भी नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं कि आपका CIRP अभी चल रहा है सो थर्ड कंडीशन यू शुड नॉट बी लिक्विडेटेड अभी तक आपके अगेंस्ट लिक्विडेशन का ऑर्डर पास नहीं हुआ है सेक्शन 33 का एंड यू आर एलिजिबल टू सबमिट अ रेजोल्यूशन प्लान अंडर सेक्शन ट्वेंटी नाइन ए सर सेक्शन ट्वेंटी नाइन ए जो है वो क्राइटेरिया फॉर बिकमिंग एन एलिजिबल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है तो आप एज अ कॉर्पोरेट डेटर शुड बी एन एलिजिबल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट ओनली देन अ अईआर कैन इनिशिएटेड कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट यू सर फोर्थ कंडीशन बहुत प्रोसीजरल है कहते हैं पिछले

क्शन थर्टी थ्री फोर्थ यू शुड बी एलिजिबल फॉर एप्लीकेशन प्लान सेक्शन ट्वेंटी समझ आ गई आगे बढ़ो ये तीन चीजें जो है न, सर, EFG, ये तीन लोगों का अप्रूवल है पहला अप्रूवल है क्रेडिटर्स का दूसरा अप्रूवल है डायरेक्टर्स का थर्ड अप्रूवल है शेयर होल्डर का पहले मैं आपको शेयर होल्डर का अप्रूवल बताता हूं देखो बस पीपीआईआर पी, -पी आए, क्या है? जो कॉर्पोरेट डेटर है आपको पता है हमारे इंसॉल्वेंसी कोड में जो कॉर्पोरेट डेटर है वो या तो कंपनी हो सकती है या फिर एलएलपी हो सकती है तो अगर कंपनी है तो उन उस कंपनी के मेंबर्स का स्पेशल रेजोल्यूशन और अगर एलएलपी है तो उसके पार्टनर्स एटलीस्ट थ्री फोर्थ ऑफ द पार्टनर्स का कंसेंट आपको लेकर के जाना पड़ेगा कि भैया उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया है कि भैया हम लोग पीपीआईआरपी के लिए फाइलिंग करेंगे मतलब अगर नेचर ऑर्गेनिक का फाइलिंग करने जा रहे हो ना सर उसके मेंबर्स का या तो स्पेशल अप्रूवल स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा लेना या फिर थ्री फोर्थ का अप्रूवल ले लेना यह हो गया मेंबर्स का अप्रूवल उसके बाद डायरेक्ट का अप्रूवल देखते हैं सर डायरेक्टर्स में ऑफ द डायरेक्टर्स और पार्टनर्स एज द केस विल हैव टू मेक अ डिक्लेरेशन उनको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा तीन चीजों को बताना पड़ेगा डिक्लेरेशन में पहली चीज की भैया जो कॉर्पोरेट डायरेक्टर है ना वो एप्लीकेशन फाइल करेगा पीपीआईआरपी के लिए विद इन अ डेफिनेट पीरियड मतलब जिस दिन आज हम डिक्लेरेशन दे रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि भैया अगले रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम में से बीस दिन से पच्चीस दिन में हम क्या करेंगे हम सीआईआर पीपीआईआरपी शुरू करने वाले हैं और और दैट द पीपीआईआरपी इज नॉट बीइंग इनिशिएटेड टू डी एनी पर्सन पीपीआईआरपी हम किसी को धोखा देने के लिए नहीं कर रहे हैं एंड द नेम ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल प्रपोज एंड अपॉइंटेड अप्रूव टू बी अपॉइंटेड एज रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अंडर क्लॉज ई मतलब सर देखो जैसे आप कॉर्पोरेट डेटर अगर आप एप्लीकेशन देने जा रहे हो ना तो आपको यह चीज भी बतानी पड़ेगी कि यहां पे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कौन बनेगा दोस्त एक चीज बता दू तुमको सी आई और पीपीआईआरपी में फर्क एक चीज़ और भी है कि जब सीआईआरपी शुरू होता है ना तो पहले आईआरपी अपॉइंट होता है और फिर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल में कन्वर्ट होता है लेकिन जब पीपीआईआरपी शुरू होता है ना कोई आई आरपी वाईआरपी अपॉइंट नहीं होता है सीधा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट होता है और वो कौन होता है वो वो होता है जिसको फाइनेंशियल क्रेडिटर ने अप्रूव किया है और उसके बाद बोर्ड ने अपने डिक्लेरेशन में भी अप्रूव किया है कि भैया इस बंदे को ना हम अपने कंपनी का रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बनाएंगे नाम मान लो सर इस केस में हम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल किसको बना रहे हैं अमर अकबर एंटोनी को अमर अकबर एंटोनी एक बंदा है एक बंदा है सर एक अमर अक्पर, अक्पर एक अमर अकबर अकबर एंटोनी बंदा है जिसको हम बना रहे हैं क्या हम बना रहे हैं उसको रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अब सर तीसरा चीज आपको फाइनेंशियल क्रेडिटर का अप्रूवल लगेगा तो फाइनेंशियल क्रेडिटर जो भी आपके बुक्स में दिख रहे हैं ना सर फाइनेंशियल क्रेडिटर जो रिलेटेड पार्टी नहीं है उनको एक नाम प्रपोज करना पड़ेगा अमर अकबर एंटनी एज रेजोल्यूशन प्रोफेशनल फॉर कंडक्टिंग द पीपीआईआरपी एंड फाइनेंशियल रिप्रेजेंग मोर देन और वैल्यू एव अप्रूव सच प्रपोजल ही नहीं कंपनी तो कौन होगा हम स्पेसिफाई करेंगे मतलब भैया देखो तीन अप्रूवल लग रहे थ्री फोर्थ काट में का। दूसरा डायरेक्टर तीन डिक्लेरेशन दे रहे पहला कि भैयाट पीरियड में हम शुरू कर देंगे पीपीआईआरपी हम किसी गलत काम के लिए नहीं कर रहे हैं और रेजो्यूशन प्रोफेशनल का नाम हम बता देते हैं आपको तीसरा आपको फाइनेंशियल क्रेडिटर का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा फाइनेंशियल क्रेडिट का अप्रूवल क्यों फाइनेंशियल क्रेडिटर ना आपको इनसोल्वेंसी प्रोफेशनल का नाम बताएगा और उसको अप्रूव कर

करेंगे सर देखो अगर आपको बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट समझना है ना तो मेरा ऑलरेडी पीपीआई घंटे का वीडियो डाला हुआ है उसमें मैंने पूरा समझाया आपको बच्चों जैसे कि क्यों पीपीआईआरपी -पी -पी आया लेकिन हम कर रहे रिविजन तो मेरे साथ बने रहो अगर आपको रिवीजन में ध्यान बनाए रखना है तो प्लीज अपना एक नोट्स खोलो और मैं जो बोल रहा हूं उसको लिखते जाओ नाउ सर आप जब फाइनेंशियल क्रेडिटर के पास अप्रूवल लेने जा रहे हो ना तो उसके पहले आपको मैं बता देता हूं मेंबर का और बोर्ड का अप्रूवल लगेगा क्यों क्योंकि जब आप फाइनेंशियल क्रेडिटर के पास अप्रूवल लेने जा रहे हो ना तो उसके पास आपको चार चीजें सबमिट करनी पड़ेगी पहला एक तो डिक्लेरेशन की भैया डिक्लेरेशन क्या जो उन्होंने ऊपर सबमिट किया है तीन तीन चीजों को लिख करके दूसरा या तो स्पेशल रेजोल्यूशन या फिर रेजोल्यूशन जो थ्री फोर्थ लोगों ने पास किया है मतलब मेंबर का अप्रूवल तीसरा एक बेस रेजोल्यूशन प्लान भी सबमिट करना पड़ेगा जो

सेक्शन फिफ्टी बी ड्यूटीज ऑफ दी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बिफोर इनिशिएशन ऑफ दी पीपीआईआरपी मतलब भैया अभी तक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने अप्रूव भी नहीं किया है उसके पहले तुम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को काम पे लगा दे रहे हो तो सर अगर अगर हमारे कंपनी में हमने डिसाइड किया अमर अकबर एंटनी जो है वो लोग क्या बनेंगे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल वो लोग नहीं वो इकलौता बंदा बनेगा क्या रेजोल्यूशन प्रोफेशनल तो आप क्या करोगे उस रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को काम करना पड़ेगा जैसे ही उसका नाम अप्रूव हो जाता है टू एक्ट एज एन रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कौन अप्रूव करता है सर फाइनेंशियल तो उसको तीन काम पड़ेंगे पहला उसको एक रिपोर्ट बनाना पड़ेगा कि भैया जो कॉर्पोरेट डेटर है ना ही मीट्स द रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 54 ए एंड दैट द बीआरपी जो बीआरपी उसने बनाया है वो 54 ए का रिक्वायरमेंट मीट करता है ऐसा एक वो रिपोर्ट बनाएगा क्यों दोस्त क्योंकि देखो आप एडजिटिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाओगे ना पीपीआईआरपी का एप्लीकेशन लेके तो एडजिटिकेटिंग अथॉरिटी ये सब चेक करते नहीं बैठेगा कि भैया तुम्हारा तुम्हारा जो रिजल्ट तुम्हारा जो मेंबर का अप्रूवल था वो आ गया क्या डायरेक्टर uh, का आ गया क्या क्रेडिटर्स का आ गया क्या तुम एमएसएमई हो गया ये सब ए नहीं चेक करता बैठेगा तो आरपी को एक रिपोर्ट बनाना पड़ेगा कि भैया कॉर्पोरेट डेटर रिक्वायरमेंट मीट करता है और बीआरपी भी रिक्वायरमेंट मीट करती है उसके बाद वो डॉक्यूमेंट जो है वो फाइल करेगा बोर्ड के पास एंड ही विल परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज ये कब से फाइल कर रहे हैं सर आपका एप्लीकेशन एडमिट होने के पहले से ही ये फाइल कर रहा है लेकिन सर आप अपना काम बंद कर दोगे अमर अकबर एंटनी को हमने अप्रूव कर दिया वो अपना काम कर रहे हैं लेकिन वो कब तक काम करेगा सर अगर कॉर्पोरेट डेटर ने अपना एप्लीकेशन फाइल नहीं किया विद इन द टाइम पीरियड स्टेटेड इन द डिक्लेरेशन सर डायरेक्टर ने जो डिक्लेरेशन दिया था ना ऊपर पे 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 देखो यहां पे जो डायरेक्टर ने डिक्लेरेशन दिया था ना यहां पे बंदे ने लिखा था कि भैया हम इतने समय के अंदर अंदर पीपीआईआरपी का एप्लीकेशन फाइल कर देंगे अगर उतने समय में एप्लीकेशन फाइल नहीं हुआ तो अमर अकबर एंटनी तुम भी चलते बनता बन, चलते बनना तुमको काम करने की जरूरत नहीं है या फिर हमने एप्लीकेशन फाइल किया था वो एडमिट हो गया या रिजेक्ट हो गया तो तुमको ये काम नहीं करना पड़ेगा अरे ऑब्वियस बात है ना यहाँ पे किस काम की बात कर रहे हैं फाइलिंग अ रिपोर्ट ऑफ दैट द दर इस रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन है, है तो ना का वो पीपीआईआरपी पी -पी -पी का इफ द एप्लीकेज एडमिटेड अगर एप्लीकेशन एडमिट नहीं हुआ तो तुम भूल जाओ सेक्शन फिफ्टी फोर बी क्या कहते हैं शुरू करने के पहले क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा तो सर मैं आपको यह बता दूं बी फिफ्टी फोर बी मतलब बिफोर आईआरपी ड्यूटीज बिफोर सॉरी बिफोर पीपीआईआरपी ड्यूटीज पीपीआईआरपी का ड्यूटी सॉरी uh, आरपी का ड्यूटी क्या है पीपीआईआरपी शुरू होने के पहले सर मैं इतना हकला रहा हूं, क्योंकि ये थोड़े है आप भी बोलोगे ना ऐसा तो आप हकलाने लगोगे पर शब्दों को कम भावनाओं को मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है यह सेक्शन है जिसके अंडर एप्लीकेशन जाता है सर फॉर इनिशिएशन ऑफ पी आई आर पी जैसे अपन सेक्शन सेवन नाइन टेन पढ़ते हैं ना वैसे ही सेक्शन फिफ्टी फोर सी है सी में क्या लिखा है सर मीट्स द रिक्वायरमेंट

बनाने के लिए उसका एक रिटर्न कंसेंट भी आपको लगेगा तीसरा आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि भैया कोई अवॉइडल ट्रांजेक्शन एक्सिस्ट नहीं करता है जो सेक्शन से 51 तक लिखा हुआ है और इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू बुक्स ऑफ ऑफ अकाउंट्स द कॉर्पोरेटर एंड सच अदर डॉक्यूमेंट्स आपको चार चीजें देनी पड़ेगी जब आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो एप्लीकेशन फाइल होने के बाद सिमिलर प्रोसीजर है सर डेज के अंदर अथॉरिटी या तो एडमिट करेगा या रिजेक्ट करेगा अगर एडमिट नहीं कर रहा है रिजेक्ट कर रहा है क्योंकि रेक्टिफिकेशन कुछ रेक्टिफाई करना है तो सात दिन का समय देगा रेक्टिफिकेशन का और उसके बाद रिजेक्ट कर देगा पीपीआई

तो यहां पे लिखा है आपका टाइम आपको पीपीआईआरपी खत्म कितने समय में करना पड़ेगा लॉ कहता है यू विल हैव टू कंप्लीट पीपीआईआरपी अ टोटल स्पैन ऑफ 120 डेज जिसमें से पहले 90 डेज जो है वो कॉर्पोरेट कॉर्पोरेटर और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को मिलेंगे क्या करने के लिए रेजोल्यूशन प्लान बनाने के लिए और आखिरी के जो थर्टी डेज है वो एडजिटिकेटिंग अथॉरिटी को मिलेंगे करने मतलब करने अप्रूव करने के लिए मतलब समझो काम करने के लिए नब्बे दिन मिलेगा अप्रूव करने के लिए थर्टी डेज लेगा नाउ आरपी विल हैव टू सबमिट द है विद इन नाइनटी डेज ऑफ द पीपीआईसीडी डी वेर नो रेजोल्यूशन प्लान इज अप्रप्रूव बाई दीओसी विद इन नाइनटी डेज देन द रेजोल्यूशन प्लान प्रोफेशनल विदिन द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल चेल फाइल एन एप्लीकेशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ सर आपको एक चीज यहां पे मैं बता देना चाहता हूं जब एक कंपनी सीआईआरपी में जाती है ना ऊपर वाला सीआईआरपी में तो सीआईआरपी अगर तुम्हारा सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो कंपनी लिक्विडेट हो जाती है लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है समझा देता हूं अगर आप सीआईआरपी में हो तो CIRP के बाद क्या होता है सीधा लिक्विडेशन होता है लेकिन अगर आप पीपीआईआरपी चल रहे ना आपका तो पीपीआईआरपी के बाद जरूरी नहीं है लिक्विडेशन हो आपका ऐसा हो सकता है पीपीआईआरपी खत्म हो जाए और सीआईआरपी शुरू हो जाए और फिर

CIRP में किसको अपॉइंट कर रहे थे इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को यहां पे आप सीधा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट करोगे आई आर क्योंकि सर, आ, सर आ, आर पी आई आर पी की कोई जरूरत नहीं है एक बार देख लो दोस्त एजुकेटिंग अथॉरिटी जैसे ही PPICD होगा वो ऑर्डर करके तीन चीजें करेगा मॉरेटोरियम डिक्लेयर करवाएगा और सेक्शन 40 एप्लीकेबल हो जाएगा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट करेगा किसको अपॉइंट करेगा सर जिसका नाम एप्लीकेशन में दिया हुआ है अगर उसके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स नहीं है लेकिन अगर कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स है तो फिर बोर्ड रिकमेंड करेगा कि किसको आरपी अपॉइंट करना है और तीसरा पब्लिक अनाउंसमेंट क्रिएट करेगा पब्लिक अनाउंसमेंट क्या हजरात 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 तुम्हारा पीपीआईआरपी शुरू हो गया है द ऑर्डर ऑफ मॉरेटोरियम शेल द इफेक्ट फ्रॉम डेट ऑफ सच ऑर्डर टिल द डेट ऑन विच द पीपीआईआरपी कम्स टू एन एंड द ऑर्डर ऑफ मॉरेटोरियम शैल द इफेक्ट टिल द पीपीआईआरपी कम्स टू एंड जब तक आपका पीपीआईआरपी खत्म नहीं होता तब तक आपका मॉरेटोरियम चलेगा फिफ्टी फोर ई हो गया इफेक्ट ऑफ द मॉरिटोरियम तीन इफेक्ट होगा सर पब्लिक अनाउंसमेंट मॉडिटोरियम सॉरी इफेक्ट ऑफ पीपीआईआरपी तीन इफेक्ट होगा पहला मॉरेटोरियम पब्लिक अनाउंसमेंट और तीसरा हो गया आपका आईआरपी uh, का सॉरी uh, आरपी का अपॉइंटमेंट 54 एफ क्या है सर एफ है ड्यूटीज एंड पावर ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ड्यूरिंग पीपीआईआरपी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या काम करेगा 54 एफ को मैं कहता हूं प्यार से सर फालतू के काम क्या फालतू के काम करेगा सर द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल विल कंडक्ट पीपीआईआरपी वो तो हमको पता है उसके अलावा उसके ये सारे ड्यूटीज रहेंगे कन्फर्म द लिस्ट ऑफ क्लेम सबमिटेड बाई कॉर्पोरेट डेटर अंडर सेक्शन फिफ्टी फोर जी दोस्त देखो यहां पर ना हम लिस्ट ऑफ क्लेम मंगवा रहे हैं लेकिन सुनो क्योंकि कॉर्पोरेट डेटर ना पहले से एप्लीकेशन फाइल कर रहे है, तो कॉर्पोरेट डेटर के पास जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो क्रेडिटर्स

इतना याद रखने की जरूरत नहीं है बट ब्रॉड चीजें याद कर लो क्लेम्स का क्या होगा आपको एक अपडेटेड लिस्ट मेंटेन करना पड़ेगा क्रेडिटर्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा और कंफर्म करना पड़ेगा सबसे पहले जो क्लेम्स आए हैं अफेयर्स कौन मैनेज करेगा सर कंपनी का खुद कॉर्पोरेटर मैनेज करेगा आपको सीओसी कॉन्स्टिट्यूट करना है उसकी मीटिंग बुलानी है अगर कोई गड़बड़ हुआ तो सीओसी को बताना है और आपको इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाना है क्योंकि आपको रेजोल्यूशन प्लान बुलवाना पड़ सकता है आगे उसके अलावा सर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का पावर्स कुछ कुछ होगा ये आप पढ़ लेना सर ये सिमिलर टू वट वॉज देयर फॉर सीआईआरपी इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक्सेस होगा इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का एक्सेस होगा सारे रिकॉर्ड्स का एक्सेस होगा मीटिंग बुलाएगा अपॉइंट कर सकता है प्रोफेशनल

रेजोल्यूशन प्रोफेशनल फीस क्या होगी सर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का जो भी डिटरमाइन होगा और सर जो भी चीज़ें हैं वो बोन बोर कौन करेगा वो सब एज मे बी प्रिस्क्राइब तो कुल मिला के फिफ्टी फोर एफ अगर मैं आपको बताऊँ ना तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शायद याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर आपने रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अंडर सी आई आर पी का पावर पढ़ा है सिमिलर टू दैट यहाँ पे पावर है आप बना के लिख सकते हो वाई ब्रेन यूज योर ब्रेन ब्रेन का बैंडवर्ड बट एनी वे अगर कोई फिफ्टी फोर एफ पूछे तो फालतू के काम जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल करता है सेक्शन फिफ्टी फोर जी सर फालतू के काम नहीं है लेकिन हमको बनाने के लिए बोलना पड़ा फिफ्टी फोर जी बहुत इंपॉर्टेंट है जी जी क्या है सर जी कहता है जी हाँ

अब सर क्या देना पड़ेगा एक बार अपने मुंह से बोलो लिस्ट ऑफ क्लेम्स और दूसरा प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम नाउ वेर अ पर्सन अगर लेकिन सर आपने लिस्ट ऑफ क्लेम्स और प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम दे दिया लेकिन उसमें यू हैव ओमिटेड समथिंग और यू इंक्लूडेड समथिंग विच इज नॉट और यू इंक्लूडेड समथिंग विच इज द मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देन इन दैट केस एवरी और किसी उसको उस इन्फॉर्मेशन के वजह से किसी को लॉस हुआ है या कोई डैमेज हुआ है देन एवरी पर्सन हु इज अ प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ दरेटर एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ द क्लेम्स और हैज ऑथराइज द सबमिशन शेल ब लाइबल टू कॉम्पन्शन विच हज सस्टेन मतलब सामने वाले का जो भी नुकसान होगा वो आपको भरना पड़ेगा मतलब सर अगर नेचर ऑर्गेनिक का मैं मालिक हूँ और नेचर ऑर्गेनिक के बारे में मैंने कुछ फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रिलिमिन्ररी इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में दिया उसके वजह से किसी क्रेडिटर का या किसी भी पर्सन को लॉस हुआ तो नेचर ऑर्गेनिक का

जी जी हाँ मैं दो तो दिन में आपको लिस्ट ऑफ क्लेम और प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम सही सही दे दूंगा गलत दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी फिफ्टी एच क्या है सर मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ दी डेटर इसको मैं कहता हूं सर फिफ्टी एच होशियारी मत करना ज्यादा नहीं तो हाथ से मैनेजमेंट चला जाएगा मैंने आपको क्या बोला सर पीपीआईआरपी में क्या होता है कॉर्पोरेट डेटर के पास मैनेजमेंट रहता है कंपनी का वो जाता नहीं है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास लेकिन अगर यहाँ पे वही लिखा है ड्यूरिंग द पीपीआईआरपी द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर शेल वेस्ट विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और पार्टनर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर द रोल ऑफ द बोर्ड और पार्टनर बोर्ड और पार्टनर्स विल बी टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एंड मैनेज द ऑपरेशन एज अ गोइंग कंसर्न सर जैसा कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का काम था कि वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना और गोइंग कंसर्न की तरह ऑपरेट करना एंड द प्रमोटर शेल एक्सरसाइज इन डिस्चार्ज एक्सरसाइज इन डिस्चार्ज इन कॉन्ट्रेक्चल एंड सैचरी राइट एंड ऑप्पलिकेशन एच में मैंने ये लिखा है सर सॉरी होशियारी नहीं मारना नहीं एच में लिखा है हमारे पास ही रहेगा हमारे पास क्या रहेगा मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर

प्रोफेशनल जो यहां पे लिख रहे हैं उसको कॉर्पोटेटर या फिर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जैसा पढ़ा जाएगा इंपॉर्टेंट नहीं क्या, क्या मतलब तो नेचर ऑर्गेनिक के, मतलब के पास ही रहेगा लेकिन अब इन्होंने बोला वो जो है ना वो वेस्ट हो जाएगा प्रोफेशनल के साथ अगर अगर क्या करोगे अगर तुम फिफ्टी फोर जी में ज्यादा होशियारी मारोगे जैसे हो गया ज्यादा होशियारी ज्यादा होशियारी कैसे मार रहे हो अगर कमिटी ऑफ क्रेडिटर अ वोट ऑफ मोर देन 66% रिजॉल्वड दैट द मैनेजमेंट विल वेस्ट विद रेजोल्यूशन प्रोफेशनल देन द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल विल मेक एन एप्लीकेशन टू एडजुकेटिंग अथॉरिटी कि भैया मेरे पास पावर वेस्ट होने वाला है आप अप्रूव कर दो मतलब क्या सर सीओसी ने मोर देन इक्वल टू सिक्स परसेंट से वोट से अप्रूव किया कि भैया जो पावर है मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स है वो वेस्ट हो जाएगा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल वो एप्लीकेशन लेके चला जाएगा आर्जेडिकेटिंग अथॉरिटी के पास अप्रूवल के लिए और सर आर्जेडिकेटिंग अथॉरिटी कब अप्रूव करेगा अगर उसके ओपिनियन में लगता है दो में से कोई भी चीज हुई है या फिर या तो मैनेजमेंट जो अफेयर्स है वो फ्रॉडलेंट मैनर में कंडक्ट किया गया है या फिर देर हैज बीन अ ग्रॉस मिस मैनेजमेंट देन इन दैट केस इट विल पास एन ऑर्डर ऑफ वेस्टिंग ऑफ मैनेजमेंट मतलब सर दो केस में अगर आपने फ्रॉडलेंट मैनर में कंडक्ट किया या फिर आपने मिसमैनेज किया

अब सर देखो सबसे पहले क्या बना था बेस रेजोल्यूशन प्लान जो किसने बनाया था कॉर्पोरेट डेटर खुद ने उस बेस रेजोल्यूशन प्लान को वो ले जाकर के दे देगा दो दिन के अंदर अंदर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास द कॉर्पोरेट डेटर शैल सबमिट द बेस रेजोल्यूशन प्लान टू तो द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल विद इन टू डेज एंड द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल विल सबमिट इट टू सीओसी अब देखो सर सीओसी के पास जब बेस रेजोल्यूशन प्लान आया ना तो बोलेगा अरे कितना घटिया प्लान है या फिर या तो वो बोलेगा अरे क्या मस्त प्लान है चलो अप्रूव कर देते हैं लेकिन अगर उसको लगा नहीं भैया थोड़ा घटिया प्लान है तो क्या करेगा सीओसी ओपन करेगा स्विस चैलेंज स्विस चैलेंज मतलब

खरीदना चाहोगे तो लेकिन मार्केट में जाने के पहले एसीओसी मेरे को एक अपॉर्चुनिटी टू रिवाइज करने के मौका देगी कि भैया देखो दस करोड़ बहुत कम है मार्केट में जाएंगे तो आराम से पच्चीस करोड़ मिल जाएगा तुम सही सही लगाना चाहते हो तो बता दो अब सर जो रेजोल्यूशन प्लान या फिर और अगर वो सीओसी को फिर भी मजा नहीं आया ना तो सीओसी क्या बुलवाएगी रेजोल्यूशन प्लान्स बुलवाएगी जो सर कॉर्पोरेट डेटर ने दिया वो बेस रेजोल्यूशन प्लान था मतलब मिनिमम दस करोड़ तो अपने को चाहिए उसके बाद तुम मार्केट से रेजोल्यूशन प्लान बना मंगवाओगे ताकि तुमको फेयर वैल्यू पता चले अब सर सीओसी जो है ना उसके पास जब प्लान जाएगा ना तो प्लान जो है वो थर्टी सबसे टू जिसको मैं कोमिलो बोलता कोमिलो, कोमिलो के छह कंडीशन है उसका कंप्लायंस हो जाना चाहिए अगर कंप्लायंस हो जाता है तो सीओसी आपके बेस रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव कर देगा इफ इट डज नॉट इंपेयर एनी क्लेम्स ऑफ दी ऑपरेशनल क्रेडिटर मतलब सर एक चीज ध्यान रखने की बहुत जरूरत है कि ऑपरेशनल क्रेडिट एक रुपए का भी नुकसान नहीं होना चाहिए डज नॉट इंपेयर एनी क्लेम मतलब एक रुपए का भी नुकसान नहीं हो रहा है अगर एक रुपए का भी नुकसान होगा ना तो उसको ऐसा बोला जाएगा कि इट इंपेयर द क्लेम ऑफ दी ऑपरेशनल क्रेडिटर नाउ

भी हम क्राइटेरिया ले डाउन करेंगे having regard to the complexity and scale of the business sir, इट सुन लो एक बार मैं पूरा याद करवाऊँगा the resolution plan will provide for the to the resolution applicant दो चीजें आप जब resolution professional sorry resolution professional जो है ना वो दो चीजें बताएगा resolution applicant को पहला कि भैया तुम जो offer देने वाले हो उसको किस basis पे हम evaluate करेंगे and what are the relevant information that you need in order to be able to in order to be able to provide that resolution plan now the resolution professional will present present to the coc for its evaluation जो भी resolution plan 32 का confirmation करके आया है अब सर the कमिटी ऑफ क्रेडिटर प्लान एंड प्लान लगे बहुत ऑफर दिया बेटर ऑफर दिया तो सर हाथ के हाथ सीओ अप्रेगा मान लो सर बहारे ने पचास करोड़ का ऑफर दे दिया तो सर सीओसी इमीडिएटली बट सर अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था मान लो थोड़ा बहुत डिफरेंस है मतलब मेरा दस करोड़ का ऑफर था सामने वाले ने साढ़े दस करोड़ का ऑफर दिया तो इन दैट केस सीओसी विल गिव मी एन ऑप्शन टू मैच द ऑफर मतलब सीओसी क्या बोलेगा द रेजोल्यूशन प्लान सिलेक्टेड फॉर अप्रूवल एक सेकेंड कहाँ गया यही कहीं है भैया देखो कहीं अपन नीचे पढ़ेंगे कि जैसे अगर आपका सिग्निफिकेंटली बेटर देन बीआरपी है ना तो वो आपका प्लान को अप्रूव कर देगा लेकिन अगर नहीं है तो वो आपको मैच करने का ऑफर देगा वेर रेजोल्यूशन प्लान वेर द रेज्यूशन प्लान इज नॉट कंसिडर्ड फॉर अप्रूवल और डज नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट इट विल कंपीट विद आरपी एंड वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड ये देखो ये देखो यहां पे अगर रेजोल्यूशन प्लान अगर नहीं अप्रूव हो रहा है ना तो आप उसको कंपीट करवाओगे बी बरपी के साथ इसको कहते हैं सर स्विच चैलेंज इसको कहते हैं स्विच चैलेंज मेथड नाउ सर द रेजोल्यूशन प्लान वट एवर इज सिलेक्टेड फॉर अप्रूवल विल बी अप्रूव

इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम बना के दे देगा किसको वो दे देगा प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को क्या बनाने के लिए रेजोल्यूशन प्लान अब वो रेजोल्यूशन प्लान बना के देंगे सीओसी को अब सीओसी कंपेयर करेगा इफ द रेजोल्यूशन प्लान सबमिटेड बाय द आउटसाइडर्स आर सिग्निफिकेंटली बेटर इट विल अप्रूव द प्लान बट इफ इट इज नॉट दैट ग्रेट देन इट विल आस्क द कॉर्पोरेट डेटर टू मैच और टू कंपीट विद द बेस रेजोल्यूशन प्लान नाउ वट इट इज इफ द रेजोल्यूशन प्लान इज

रेजोल्यूशन प्लान सीओसी में जो सीओसी में जो अप्रूव किया उसमें जो मैनेजमेंट है मैनेजमेंट है वो ट्रांसफर नहीं हो रहा है मतलब क्या सर नेचर ऑर्गेनिक में शुभम मालिक था शुभम मैनेज कर रहा था कंपनी को बीच में ऐसा पोजीशन आया जहां पे

कि तुम क्या कर रहे हो तुम तो ये भी अप्रूव नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारा लिक्विडेशन ऑर्डर पास हो जाएगा एंड डिक्लेयर दैट पीपीआईआरपी कॉस्ट शेल नॉट बी बी इंक्लूडेड इन द लिक्विडेशन कॉस्ट ठीक है समझा मतलब सर 54 एल में आप समझ लो लग गए लग गए मतलब या तो आपका अप्रूवल हो गया और लग गए या फिर अप्रूवल नहीं हुआ और लिक्विडेशन लग गए 54M अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ फिफ्टी सर जैसे ही ए अपील ऑर्डर पास करते हैं तो उसका अपील होता है अपने सेक्शन 31 या 32 में भी पढ़ा था और ग्राउंड्स ऑफ अपील क्या होगा सेक्शन सिक्सटी 61 सब सेक्शन 3 जो मैंने आपको बोला था बेसिकली कोमिलो के ही पॉइंट्स हैं अगर कोमिलो के पॉइंट सेटिसफाई नहीं होते हैं तो आप अपील फाइल कर सकते हो 54N. Termination of PPIRP. 54N क्या कहते हैं सर? Termination of PPIRP मतलब आपका PPIRP टर्मिनेट कब होगा सर यहाँ पे तीन या चार कंडीशन है जब आपका PPIRP terminate टर्मिनेट होता है पहला अगर resolution प्रोफेशनल ने एप्लीकेशन फाइल किया टर्मिनेशन के लिए अंडर 54K या 54D मतलब सर अगर आपने टाइम लिमिट के अंदर आपने resolution प्लान बना नहीं पाया या फिर committee ऑफ creditor ने बोला नहीं भैया हमको कोई भी रेजोल्यूशन प्लान नहीं जम रहा हम टर्मिनेशन फाइल करेंगे तो सर एप्लीकेशन फाइल करेगा कौन रेजोल्यूशन प्रोफेशनल और उसके तीस दिन के अंदर अंदर टर्मिनेट हो जाएगा पीपीआईआरपी एंड द मैनर ऑफ कंटिन्यूशन ऑफ अवॉइडेबल ट्रांजैक्शन ये छोड़ दो लेकिन सर अगर रेजोल्यूशन प्लान ने उसके रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने उसके अलावा कभी भी सीओसी ने का अप्रूवल से एक ये पास किया पीपीआईआरपी का मैं बता दूं क्या अगर सीओसी ने यूं ही डिसाइड किया कि भैया नहीं हमको पीपीआईआरपी नहीं करना है हमको टर्मिनेट करना है और टर्मिनेशन का अगर ऑर्डर पास किया सीओसी ने और आरपी ने कम्युनिकेट किया तो सर आपका टर्मिनेशन का ऑर्डर पास कर देगा ए मतलब सर ए टर्मिनेशन का ऑर्डर तीन केस में पास करेगा पहला अगर डेडलाइन के अंदर आपने खत्म नहीं किया दूसरा अगर आपको कोई भी रेजोल्यूशन प्लान नहीं जमा या फिर तीसरा कमिटी ने खुद डिसाइड किया कि भैया हमको पीपीआईआरपी टर्मिनेट करना है लेकिन सर वेर द ए पास एज ऑर्डर द स सी डी शेल बियर द पीपीआईआरपी कॉस्ट क्योंकि अभी टर्मिनेशन हो गया पीपीआईआरपी तो

मैं आपको बताता हूँ देखो द कमिटी ऑफ क्रेडिटर कमिटी ऑफ क्रेडिटर में एट एनी टाइम आफ्टर पीपीआईसीडी बट बिफोर अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान बाई अ वोट ऑफ दिस मच रिजॉल्व टू इनिशिएट अर पी इफ सच सी डी इज एलिजिबल मतलब सर आपका पीपीआईआरपी का प्रोसेस चल रहा है बीच में आपको अचानक से लगा नहीं भैया पीपीआईआरपी में मजा नहीं आ रहा है अपने सी आई आरपी प्रोसेस में जाना है तो इन दैट केस इन दैट केस सी आई आर पी का प्रोसेस कौन करे व, शुरू हो सकता है प्रोवाइडेड कॉर्पोरेट डेटर एलिजिबल है कॉर्पोरेट डेटर एलिजिबल कब होगा सर अगर आपका जो सेक्शन फोर है जहाँ डिफॉल्ट का अमाउंट एक करोड़ से ज्यादा है तभी सी आई आर पी इनिशिएट हो सकता है ऐसा नहीं होगा क्योंकि आपको पता है पी पी आई आर पी का भी इनिशिएट हो सकता है जब दस लाख ,00 तक का अमाउंट है लेकिन सी आई आर पी तभी इनिशिएट होगा जब एक करोड़ ,00 तक का अमाउंट है तो अगर ऐसा नहीं हो सकता कि पंद्रह लाख ,00 का डिफॉल्ट था आपने पी पी आई आर पी इनिशिएट कर दिया और उसके बाद ट्रांसफर करके सी आई आर पी कर दिया नहीं आप अगर आपने पी पी आई आर पी इनिशिएट किया है तो अगर आपने पीपीआईआरपी इनिशिएट किया है तो सीआईआरपी जाने के लिए आपको सीआईआरपी का एलिजिबिलिटी देखना पड़ेगा वेट द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इंटीमेट टू ए दैट विद इन थर्टी डेज ऑफ ए दैट डिसीजन ऑफ सीओसी कि भैया हम सीआईआरपी में शिफ्ट करना चाहते हैं तो सीओसी क्या एजुटिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगा पीपीआईआरपी टर्मिनेट कर देगा सीआईआरपी इनिशिएट कर देगा अपॉइंट द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अंडर पीपीआईआरपी एज आई अरे मेरे दोस्त बहु को सास बनते तो देखा है लेकिन कभी सास को बहु बनते देखा है यहां पे जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है पीपीआईआरपी पी में वो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बन जाएगा सीआईआरपी में लेकिन उसका भी उसको रिटर्न कंसेंट देना पड़ेगा और डिक्लेयर करेगा कि जो पीपीआईआरपी पी का कॉस्ट है उसको सीआईआरपी के कॉस्ट में इंक्लूड किया जाएगा अगर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपना रिटर्न कंसेंट नहीं देता है तो बोर्ड अपॉइंट करेगा किसी को भी इंटरम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल और सर जहां ए ऑर्डर पास करता है अंडर सबसेक्शन टू कि भैया तुम्हारा पीपीआईआरपी टर्मिनेट हो गया तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो जो ऑर्डर होगा इट विल बी डीम्ड टू बी एन ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन अंडर सेक्शन सेवन सेक्शन सेवन क्या है सर फाइनेंशियल क्रेडिटर का एप्लीकेशन मतलब आप अचानक से मान लोगे कि सेक्शन सेवन में एप्लीकेशन दिया गया है और वो एप्लीकेशन एडमिट हो गया है दोस्त एक चीज नोट कर लेना भले ही पीपीआईआरपी कॉर्पोरेट डेटर खुद इनिशिएट करता है लेकिन हम फिर भी उसको सीआईआर

सर थोड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है लेकिन आसान है दो बार और सुनो एक बार खुद पढ़ो एग्जाम में डेफिनेटली चार मार्क आएगा माई गट इज वन क्वेश्चन विल कम इन द एग्जाम वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन पी पी आई आर पी एंड आई आर पी 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 आई आर पी एंड आई आर पी तो सर आप जब अभी रिविजन करोगे ना तो अपना नोट्स खोलना और पीपीआईआरपी वर्सेस सी आई आर पी के बीच में क्या डिफरेंस है वो बनाना खुद से बनाओगे तो दोनों कॉन्सेप्ट में ज्यादा क्लैरिटी आएगी और उसके बाद आपको चीज़ें याद हो जाएगी थैंक्स अ लॉट गाइस इट वेंट अ लिटिल लॉन्ग बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन वर्थ फोर्टी मिनट्स ऑफ रिविजन Do share this with your friends. As a thank you, please click on the like button and and comment on the नीचे comment कर दो ताकि ये बहुत लोगों तक पहुंच पाए ताकि सब लोगों को इसकी utilization हो पाए और मेरी मेहनत सफल हो. Thanks a lot guys. All the best. Stay tuned to this channel. We'll come up with a winding up revision soon. See you. Bye bye.